क्या अभी अब क्या रह गया फन जोन में आपको? बहुत कुछ है। बहुत कुछ है मतलब क्या और क्या रह गया आपको? क्या देखना है? बोटिंग करनी है, कार राइडिंग है। कार राइडिंग है, बोटिंग भी है और मम्मी को आर्चरी करनी है। चलो फटाफट पैक करते हैं, फिर आते हैं, एक्टिविटी करते हैं और फिर चेकआउट। ओके तो गाइज ये है इस प्रॉपर्टी का एक सेकंड इन्फिनिटी पूल, ये देखिए। गाइज ये आप एक पूरा ओवरव्यू इस पूरी प्रॉपर्टी का देखिए। एक ये स्विमिंग पूल यहाँ पे है और एक दूसरा स्विमिंग पूल आपको नीचे दिख रहा होगा, देखिए। वाव लोकेशन एट कुंभलगढ़ महुआ बाग रिजॉर्ट। कहाँ जा रहे रही तभी? टैटू बनाने। टैटू सबसे लास्ट का है भाई, अभी आर्चरी करने जाएंगे और फिर बताओ। फिर पता नहीं। फिर घर पे जा नहीं जाना चाह रहे हो? नहीं जाना। तो गाइज बस लास्ट फेज है व्लॉग का भी और इस ट्रिप का भी, तो चलिए करते हैं आनंद थोड़ा और। हाथ पीछे, हाँ ऐसे करो। खींचो और खींचो, पूरा खींचो। ओ गजब। गाइस अब देख लीजिए हुकुम, अब लगे हैं आर्चरी करने। आज तो तीर सारे निशाने पे जा रहे हैं, बिल्कुल गजब, पूरे पूरे फिर टारगेट की तरफ। और गजब यार, गजब, सही मार रहे हो, सही। तो हुकुम आज तो आर्चरी कर ली आपने बिल्कुल, और अभी पूल के पास बैठ के आनंद ले रहे हैं। और रीत एज यूजुअल, रीत मोबाइल, आर्चरी भी कर ली आपने, अब टैटू बनवाना है आपके, फिर चलेंगे अपन। अभी हम लोग निकलेंगे, बस एक इवेंट और रह गया जो रीत का, हमारे भाई सर आज का है कि इनको टैटू करवाना है छोटा सा, अब देखते हैं। बाकी फाइनली फिर जाने का मन नहीं कर रहा है, बट जॉब है तो ऑब्वियस है कि जाना तो है ही है। फिर आपके लिए एक जल्दी लेके आएंगे कोई ना कोई एक प्लेस का वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग लाइफ विद राठौर। गाइज अब हम लोग चल रहे हैं वापस बैक टू पवेलियन जोधपुर, और अलविदा कह दिया है, फिर मिलेंगे महुआ बाग रिजॉर्ट को। तो गाइज अब हम चले वापस हम लोग हमारे घर को। आई होप आपको ये जो ट्रिप है अच्छा लगा होगा, आपने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा। और हम लोग करीब यहाँ से निकलेंगे अभी जोधपुर, अगर कुंभलगढ़ से जोधपुर जाना है तो चार भुजा जी होके देसूरी होके और फिर ये रास्ता जोधपुर को जाता है। चार भुजा जी से कनेक्ट हो जाएगा उदयपुर जोधपुर वाला रास्ता, उसी से।
गाइज ये चालू हो गया है बिल्कुल घाट सेक्शन, ये आता है देसूरी से पहले और चार भुजा के बाद में, बड़ा स्टीप। ये भी एक कुंभलगढ़ की जिस तरीके चढ़ाई थी, जोधपुर से उदयपुर अगर जब भी जाते हैं तो आपको ये सेक्शन बीच में से क्रॉस करना ही पड़ता है, बड़ा केयरफुल होके। 8 किलोमीटर का ये नॉर्मली घाट सेक्शन है और गाड़ी हमेशा स्लोप में, और अब तो बहुत इम्प्रूव हो गया है। पहले तो यहाँ पे जब ट्रक्स आते थे तो बीच में सड़क की भी चौड़ाई आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जाम भी रहता था पहले, और अभी बहुत अच्छा बना लिया इसको। गाइज ये ऑलमोस्ट 3 दिन का जो छोटा सा एक ट्रिप था, हम लोग कुंभलगढ़ और जमाई बांध जाके आए थे, जैसा कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही है। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग बनाने के मकसद ये है कि एक तो शौक है और दूसरा ये है कि जितनी भी मेमोरीज हम लोग कहीं पे भी घूमने जाते हैं वो मेमोरीज कलेक्ट रहती है वे एक यूनिक फॉर्म के अंदर। तो लाइफ में कभी भी अगर ज़रूरत पड़ी वो मेमोरी रिवाइंड करने की तो फट से एक बार चैनल पे गए और देख लिया, यही रीज़न रहता है। क्यों रीत, तो अभी हम लोग जल्दी रेडी हो गए वापस। अब देखिए डिपेंड करता है कब लीव मिलता है, पर जैसे लीव मिलेगा तो फट से हम लोगों का एक नेक्स्ट व्लॉग और आ जाएगा। एंड डिसाइड नहीं किया है अभी तो कि हम लोग नेक्स्ट व्लॉग किस जगह जाएंगे और किस जगह का बनाएंगे, जैसा मौका लगेगा वैसा। टिल देन जैसा कि हर बार रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। टिल देन कीप वॉचिंग लाइफ विद राठौड़।